हेलो फ्रेंड्स, माधव केशव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए मुकुट बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए मैंने ये एक गत्ता काट कर तैयार किया है। मैं इसकी लंबाई 5 इंच 2 पॉइंट रखूँगी। 5 इंच 2 पॉइंट मैंने इसकी लंबाई रखी है और मैंने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच से 1.2 पॉइंट ज़्यादा रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखी है। मैं इस तरह से काट के ये तैयार कर रही हूँ और देखिए मैंने ये यहाँ पर चाक तैयार कर लिया है और मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी जिससे ये मुकुट बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। तो ऐसे मैं मुकुट की कटिंग पूरी कट करके देखते हैं। ये देखिए मैंने ये काट कर तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ से पेंसिल का निशान किया था, वहीं तक मैंने ये काट कर तैयार किया है और मैं ये इस तरह से इसको मोड़कर और ये यहाँ से इस तरह मोड़कर मैं इसको मुकुट तैयार करूँगी। इससे पहले मैं इसको कपड़े से कवर करूँगी। कपड़े से मैं यहाँ पर फेविकोल लगाकर कपड़ा चिपका कर तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फेविकोल लगा लिया है और ये फेविकोल लगाने के बाद में मैं ये कपड़ा यहाँ पर रख कर चिपका कर तैयार करूँगी। इस तरह से सारा फेविकोल लगाकर कपड़ा तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस सारे मुकुट को कवर कर देती हूँ। ये ऐसे मैंने फेविकोल लगा कर इसको सारे को कवर कर दिया है ऊपर से भी। मैं इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 पट्टी इस तरह से सील कर तैयार की है। तीनों को मैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फेविकोल से चिपकाओ तो आप फेविकोल से चिपका लो, अपनी इच्छा अनुसार पट्टी बना लो। ये मैंने 3 कलर की पट्टी ली है और मैंने ये ऐसे तैयार की है इसको। यहाँ इस पट्टियों को रख कर मैं यहाँ तक पूरी तरफ से इसको कवर करूँगी। यहाँ मैंने फेविकोल लगा दिया है और यहाँ भी फेविकोल लगा कर आप तैयार कर ले चारों तरफ से। फेविकोल से कोई भी फेविकोल लेकर आप पक्का कर लीजिए इसको इस तरह से।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मुकुट बनाने के लिए यहाँ से ये डिजाइन रखी है। मैंने ये तीन कपड़े से लेकर सिलाई की है और सिलाई से मैंने काट कर ये तैयार की है। तो मैं ये इस तरह से इसकी गुंथाई करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कपड़ा लेकर, मैंने ये तीन कपड़ा लेकर कलर का, और मैं ऐसे इसकी गुंथाई करती हूँ। सारी गुंथाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी डिजाइन बनती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये लेस बनाई है और ये लेस बनाकर मैंने ये बुकरम काट कर किलंगी के लिए तैयार किया है। इनकी लंबाई देखेंगे आप तो 7 इंच की मैं इसकी लंबाई रखूँगी और बुकरम की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है। 2 इंच की मैंने ये बुकरम की चौड़ाई रखी है और ऐसे मैं इस तरह से सलवटे डालकर किलंगी बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैं किलंगी बनाकर तैयार करूँगी और ये लेस यहाँ पर अटैच करूँगी, यहाँ लगाकर, यहाँ पर ये लेस लगाकर तैयार करती हूँ। फिर दिखाते हूँ कैसा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मुकुट बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर मैंने ये डबल किलंगी लगाई है और ये मैंने लेस लगाकर यहाँ पर तैयार कर दिया है। तैयार करने के बाद मैं यहाँ पर ये कुछ बूंटी पड़ी है मेरे पास, ये बूंटी यहाँ पर अटैच करूँगी। ये इस बूंटी को यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बूंटी लगाती। यहाँ पर कुछ तारे हैं, ये तारे लगा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं मुकुट को। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये तारे यहाँ पर डेकोरेट कर दिए और यहाँ पर भी मैं ये तारे लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुकुट बनकर हमारा तैयार हो गया है कान्हा जी के लिए। एकदम सिंपल मुकुट बनाकर तैयार किया है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स,